बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस जैसे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब या फायरिंग ऑफ अ बुलेट, क्या इन प्रोसेसेस में मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता, ये हमें डिस्कस करना है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो नेट मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम, व्हिच मींस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम है। अभी आप सिस्टम को जिस हालत में देख रहे हैं, अभी उसका जो मोमेंटम है कुछ देर बाद भी वही होगा, उससे कुछ देर बाद भी वही होगा, उससे कुछ देर बाद भी वही होगा। तो जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, आप सारी उम्र भी उसको देखें, उसके मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्कस ये करना है कि जब बॉम्ब रेस्ट पर है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है। तो जब वो एक्सप्लोड करेगा तो उसके पार्टिकल्स वेरियस डायरेक्शन में स्कैटर होते हैं, तो क्या उनका मोमेंटम भी जीरो होता है? उन पार्टिकल्स का मोमेंटम जीरो नहीं होता, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू या फाइनल शुड बी इक्वल टू इनिशियल। इनिशियली अगर मोमेंटम जीरो था तो फिर जब ये एक्सप्लोड होगा तो तब भी फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो। अच्छा, ये नजर नहीं आ रहा है, याद रखो न्यूटन लॉज है या ओम्स लॉ या फैराडे लॉ, इनकी वायलेशन है, ये वायलेट हो सकते हैं, लेकिन जिन लॉज की वायलेशन नहीं है वो कंजर्वेशन लॉज है, ये फंडामेंटल लॉज है जो यूनिवर्स का बिल्ट है, ये उनमें आते हैं, उन फंडामेंटल लॉज में आते हैं, तो इनकी वायलेशन नहीं हो सकती। कोई आपको कहे एक मैंने प्रोसेस देखा उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रही, तो गलत कह रहे हैं, जरूर होगी, ठीक है। सो जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो इधर देखें, फर्स्ट करें कि एक बॉम्बर ने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दी है, ये बॉम्ब डाउनवर्ड जा रहा है विद इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, एग्री करते हो? यस सर। इस बॉम्ब का मास है कैपिटल एम, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सारी की सारी वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली समझो कि वर्टिकली समझो कि ड्रॉप हो गया। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये बॉम्ब स्प्लिट हुआ दो पीसेस में, अनइक्वल पीसेस में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, एक पीस ये है एक पीस ये है, और वो पीसेस डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो एक पीस ये जा रहा है और ये रिमेनिंग पीस हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो पीस है इसका मास कह लो कि m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है, ये वाला पीस इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला पीस जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके मोमेंटम को हम p1 का नाम दे देंगे और इसके मोमेंटम को p2 का नाम दे देंगे। अच्छा, इनिशियली सारा मोमेंटम कौन से एक्सिस के अलोंग है? y एक्सिस के अलोंग है, फाइनली सारा मोमेंटम भी y एक्सिस के ही अलोंग होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ इस डायग्राम में कि p2 के मोमेंटम के अगर दो कंपोनेंट बनाए जाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये p2 के मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट होगा? और ये y, इसी तरह m1 के मोमेंटम का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? और ये y कंपोनेंट होगा। अच्छा, अब जो पीसेस प्रोड्यूस हुए हैं एक्सप्लोजन के बाद, ठीक है, तो उन पीसेस के मोमेंटा के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को अगर देखा जाए तो हमें ये महसूस हो रहा है कि इनिशियली अगर सारा मोमेंटम वाई के अलोंग था तो फाइनली भी सारा मोमेंटम वाई के अलोंग होने की बजाय एक्स के अलोंग भी आ गया है, ऐसा नजर आ रहा है। हमें लगता है कि वायलेशन हुई है, लेकिन वायलेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि देखो, इन दोनों के जो मोमेंटा के वाई कंपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, पी वन वाई प्लस p2y, और ये बना देंगे फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस pf1, ठीक है। अब ये तो हमें चाहिए था, ये होना चाहिए था, क्योंकि इनिशियली भी सारा मोमेंटम y के अलोंग है, दिस इज योर रिक्वायरमेंट, ये तो होना चाहिए था, इनिशियली सारा मोमेंटम y के अलोंग है तो फाइनली भी सारा मोमेंटम y के अलोंग है, लेकिन ये जो x के अलोंग एडिशनल मोमेंटम आया है इससे हमें परेशान किया है। लेकिन अगर आप कहो कि मोमेंटम तो वेक्टर है कि नहीं? तो अगर मोमेंटम वेक्टर है तो बताओ ये जो p1y है और p2y है ये सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे? अच्छा,
लेकिन यहां पे देखो ये पी एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा पी आई इज इक्वल पी आई एक्स किसके बराबर है, पी आई एक्स जीरो है कि नहीं? Yes, तो अब पी एफ एक्स इन दोनों के मोमेंटा के सम के बराबर होगा। तो और से देखो पी वन एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और पी टू एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इनका वेक्टर सम क्या होगा? जीरो। तो अब भी फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन के दौरान चाहे एक पीस चाहे दो पीसेस बनते हैं, दस पीसेस बनते हैं, 10,000 पीसेस बनते हैं, वो जब भी एक्सप्लोड करेंगे तो ऐसी डायरेक्शन में मूव करेंगे कि इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल। यानी वो जब एक्सप्लोड होके फर्स्ट करो एक पीस इधर जा रहा है और दूसरा पीस इधर जा रहा है, तो अब मोमेंटम तो वेक्टर है ना, ये मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो ये वाला मोमेंटम नेगेटिव, तो नेट मोमेंटम जीरो होगा। तो अब मैं अगर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन, कि इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे, ठीक है, बॉम्ब अगर रेस्ट पे तो उसके इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इज जीरो। अब ये दो पीसेस में कन्वर्ट हुए, समझो इक्वल पीसेस में कन्वर्ट हुए, एक पीस अगर लेफ्ट पे जा रहा है तो एक पीस राइट में जाएगा, अगर इसका मोमेंटम पी वन एक्स है तो इसका मोमेंटम माइनस पी वन एक्स होगा, equal in magnitude but so that the net momentum is zero. Is it clear? Yes. So this is how we deal with the conservation. अच्छा इसी तरह second में आपके पास firing a bullet from a gun. अगर एक bullet fire होती है किसी भी gun से तो हमारे पास क्या situation है? तो कंसिडर करते हैं यहां पे एक गन को, और ये ट्रिगर वगैरह भी होता है आजकल एक, और मैगजीन कंसिडर कर लो इसके अंदर, ओके तो यहाँ पे बुलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब जब तक बुलेट फायर नहीं हुई इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है, ठीक है। अब जीरो होने की वजह भी बता दूं, इस सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम है इट इज द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू initial momentum of gun is mass of the gun and velocity of the gun plus mass of the bullet plus into velocity of the bullet. अब initial momentum is equal to fire होने से पहले gun भी rest पे और bullet भी rest पे, दोनों की velocity zero, तो result क्या आएगा? Zero. So the initial momentum of the system is zero. चलिए मैंने साबित कर दिया, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता। जब बुलेट फायर होगी तो बैरल से निकलने के बाद बुलेट तो जाएगी आगे आगे, ठीक है, ठीक है। अब ये बुलेट जो है फर्स्ट करो ये वेलोसिटी वी वी के साथ जा रही है, लेकिन गन अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायर करती है, वो वी जी वेलोसिटी के साथ रिक्वायर करेगी। अब जो फाइनल मोमेंट फाइनल इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को अगर हम देखें तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू नो द फाइनल मोमेंटम ऑफ गन सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। जो फाइनल मोमेंटम पी एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन मास ऑफ द गन एंड प्लस मास ऑफ द बुलेट into velocity of the bullet. अच्छा अभी तक किस बात का ख्याल रखो, टेक्स्ट बुक ने ये बात नहीं मेंशन की हुई, उन्होंने यहाँ पे उस सिंबल को नहीं पुट किया, लेकिन आप नोटिस करो अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हम वो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो फिर वो नेगेटिव साइन पुट करते हैं, तो थ्योरी में मैं पर्पसली पुट करवा रहा हूँ, नोट्स में मैंने बिल्कुल बुक के मुताबिक किया है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ज्यादातर थ्योरी नहीं आती, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो फिर मैं आपकी वही स्किल डेवलप करूंगा, ठीक है। कि यहां पे हम क्या करेंगे,
वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को गन को एम जी इंटू माइनस वी जी नेगेटिव साइन के साथ दे अच्छा सो पी एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी अच्छा ये कल लेक्चर में मैंने बताया था हैमर और बुलेट ये हैमर का मास बहुत ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो फिर उस नेल का मास तो कम है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी एप्लीकेशन है आप किसी हैमर को उसी वक्त किसी नेल को उसी वक्त हैमर करके पिन कर सकते हो वॉल के अंदर जब कंजर्वेशन चल रही हो मोमेंटम कंजर्वेशन तो इट मेक्स अस एलिजिबल फॉर नेलिंग इनटू द वर्ल्ड ओके अब फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल भी अब वो क्यों जीरो होगा इधर देखो मास ऑफ द बुलेट कम है ना और उस लेकिन उसकी वेलोसिटी और जो घन है उसका मास इसीलिए उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम होगी लेकिन प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम होगा तो फिर मैं फाइनल मोमेंटम को जीरो पुट कर देता हूं तो फाइनल मोमेंटम बल्कि चलो ऐसा करते हैं ये जीरो करने से पहले हम यू कर देते हैं हम लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अब ये हमारा कौन सा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम क्यों आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि अब ये जो गन है गन के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स है बुलेट है उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी है और ड्रैग फ्रिक्शन फोर्स भी ड्रैग फोर्स भी जब ऑब्वियसली गन भी मूव करेगी बुलेट भी मूव करेगी दोनों पर ड्रैग फोर्स होगी लेकिन इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्सेस है गन और बुलेट की इंटरनल फोर्सेस के मुकाबले में बहुत कम है तो ये क्या बना आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए हम उन एक्सटर्नल फोर्सेस को निग्लेक्ट कर देंगे एयर रेजिस्टेंस को भी निग्लेक्ट कर देंगे और ग्रेविटी को भी निग्लेक्ट कर देंगे तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल है कि नहीं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन और इनिशियल मोमेंटम क्योंकि जीरो है और फाइनल मोमेंटम एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी है तो ऐसा करो ये नेगेटिव साइन इधर आ गई एम जी वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी समझ आई यहां से हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन एम बी वी बी अपॉन एम जी वी जी बड़ी जबरदस्त इक्वेशन है इसकी आउटकम्स देखते हैं अच्छा आउटकम्स क्या है यू कैन नॉट यूज एवरी बुलेट इन एवरी गन हर किस्म की बुलेट को आप गन में नहीं इस्तेमाल कर सकते ये बात आपको जनरली बता होगी ये बात मैं इक्वेशन से बता रहा हूं क्यों अगर आपने एक लाइटर मास रखने वाली गन में हैवी बुलेट डाल दी तो हैवी बुलेट डालने के दो मतलब एक तो बुलेट का साइज भी बड़ा और दूसरा उसमें गन पाउडर भी ज्यादा ठीक है तो इधर देखो अब गन का मास कंपैरेटिवली कम है बुलेट का मास तो उसकी वेलोसिटी भी अगर ये सब कुछ हो गया तो ये ज्यादा तो ये ज्यादा ये ज्यादा तो भी ये ज्यादा और ये ज्यादा ट्रिपल एक्शन रिकॉइल बहुत ज्यादा होगा तो ये अगर फायर कर रहा है गोली किसी टारगेट पे लगती है या नहीं लगती इसको जरूर नुकसान पहुंचेगा जो फायर कर रहा है कंपैरेटिवली मैं जो बात कर रहा हूं ना रिलेटिव कह रहा हूं अगर आपने सही साइज की बुलेट इस्तेमाल की है तो फिर तो मास ऑफ द गन ज्यादा है मास ऑफ द बुलेट भी कम है और उसका रिकॉइल भी कम आएगा क्योंकि वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी वो वेलोसिटी सिर्फ इतनी होगी कि थोड़ा सा झटका लगे गन को गन स्टेबल रहेगी लेकिन अगर अगर आपने बड़ी बुलेट का इस्तेमाल किया ज्यादा गन पाउडर वाली तो फिर उसका रिक्वायर बढ़ जाता है तो दिस इक्वेशन शोज कि अगर आप एप्रोप्रिएट मास वाली बुलेट लेते हो स्टैंडर्ड बुलेट्स लेते हो तो उसका रिक्वायर कम होगा उसका रिक्वायर कम होगा लेकिन अगर आप ऐसी बुलेट लेते हो जिसमें गन पाउडर ज्यादा है या स्टैंडर्ड बुलेट नहीं है हैवी है वो इस गन के लिए बनी नहीं थी लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो अच्छा ला के रहा हूँ जबरदस्ती की तो फिर वो डेंजरस हो सकती है जैसे वो आपने देखा होगा ना बुजुर्ग का कमांडोस चलाते हैं ठीक है तो यू अपने कंधे के ऊपर रख के इफ यू नो अबाउट इट वो यू अपने कंधे पे रख के उसको प्रॉपरली होल्ड करके और फिर उसको चलाते हैं
तो अब यहां पे जरा गौर करो, अच्छा क्या गौर करो, ये जब बजूका चलाएगा तो उसमें प्रॉपर एक मिसाइल होता है लाइक दिस, ये पोजीशन है उसकी होल्डिंग। तो अब वो जब चलाएगा तो मिसाइल आगे जाएगा और रिकॉइल पीछे की तरफ आएगा। अब वो तो ट्रेंड होती है, उनको प्रॉपर पोजीशंस बताई जाती हैं, उनका मसल मस्कुलर मास बहुत ज्यादा और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा आप जैसा कहे कि नहीं मेरा भी दिल कर रहा है, नीब कहे नहीं मेरा भी दिल कर रहा है, मैं तो उसका चलाऊंगा, तो कोई मसला नहीं, आप चला सकते हैं। लेकिन उसमें आपको दो फायदे होंगे, एक बजूका चलाई आपने उसका आपको मजा आएगा कि आपने भी एक मिसाइल फायर किया था अपनी जिंदगी में, दूसरा जो आप मुफ्त में बगैर जहाज के हवाई सफर कर रहे हैं, क्योंकि मिसाइल आगे जाएगा और मोमेंटम को कंजर्व करने की खातिर मुनीब ये कुर्बानी देगा कि मुनीब पीछे जा रहा है, समझ आई कि नहीं आई। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, एक्चुअली काफी हैवी अगर हो ना, काफी हैवी मशीन गन हो, मशीन गन तो आपने देखा उसके स्टैंड होते हैं, उन स्टैंड्स के ऊपर जो है उन मशीन गन्स को लोड करके उनसे फायरिंग की जाती है, तो ये फिर हमारे बस की बात नहीं है। और वो फिर मशीन गन्स जो होती हैं उनमें से तो कोई गोली तो निकलनी नहीं है, अगर कंटिन्यूस फायरिंग होनी है तो हम कितने रिक्वायर बर्दाश्त करेंगे, हम भी खर्चेंगे ना, फिर हम इंसान हैं। सो ये क्वेश्चन आपको बता रही है, अगर बुलेट का मास ज्यादा हुआ तो भी रिक्वायर ज्यादा होगा, मास ज्यादा हुआ और साथ गन पाउडर ज्यादा होगा तो फिर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी तब भी रिक्वायर ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन ये भी बता रही है कि अगर गन का मास ज्यादा हो तो उसकी रिक्वायर वेलोसिटी कम होती है, समझ आई कि नहीं आई। इसलिए हैवी गन्स इतनी डेंजरस नहीं है एज कंपेयर टू अ लाइटर गन, व्हेन द बुलेट इज सेम, व्हेन द बुलेट इज सेम, कुछ तो कांस्टेंट रखोगे ना, तो लाइटर गन से अगर हैवी बुलेट चला लो तो नुकसान देगी, लेकिन अगर हैवी गन से हैवी बुलेट चलाओ तो नुकसान नहीं होगा, समझ आ गई बात। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब मेरे लेक्चर में और गाइड में बस यहाँ पे नेगेटिव साइन का फर्क है, थ्योरेटिकली उन्होंने नहीं अप्लाई किया वो नेगेटिव साइन, इस वजह से गाइड में मैंने एक नेगेटिव साइन इंक्लूड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, इसलिए कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, समझ आ गई बात। ओके, तो ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन पे आपका लेक्चर, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, ठीक है।